गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और उस व्लॉग में ये हुआ था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो देख लेना। उस व्लॉग में ये हुआ था कि सब लोग दिल्ली गए थे, वो लोग आ गए थे वापस, और जो डोमिसाइल था जो मुझे अप्लाई करना था, डोमिसाइल बन गया था। बहुत जुगाड़ लगाई तो डोमिसाइल बना था और मिल गया था। तो बात कर लेते हैं अभी की। अभी हूँ मैं अपने घर पर और अभी अभी आया हूँ, और अभी जो है मैं मैगी बना रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी भी ये लोग हैं नहीं, कोई अम्मी वगैरह मम्मी वगैरह कोई है नहीं घर पे। तो मैंने क्या सोचा मैगी बना के खाता हूँ, क्योंकि फूड वगैरह तो मतलब होता है ना कि जल्दी जल्दी बंदा निकल जाता है, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग द मैगी। सो शॉर्ट नोटिस पे तो यही एक ऐसी चीज़ है जो आप बना के फौरन से 5-10 मिनट में खा सकते हो और अपनी भूख को मिटा सकते हो। तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो दिनचर्या है वो मेरी सुबह से शुरू हो गई थी, बट अभी मैं दोपहर से मैंने व्लॉग चालू किया है और ये अभी लगभग रेडी होने वाले हैं। तो रमज़ान में भी मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, रमज़ान में मैंने व्लॉगिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि इस बार मूड नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, बट मूड नहीं हुआ। तो उठा लेते हैं अभी चम्मच, ये वाला दूँ, ये बेटर है, ये वाला लेते हैं। ओके तो इट इज़ बीइंग रेडी। तो अगर आपको मैगी बनाना नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। तो मैगी बनाना बहुत सिंपल है, 2 मिनट में भी, पहले 2 मिनट में बन जाती थी बट अब पता नहीं कि ज़्यादा ही टाइम लगता है। हाँ बट अभी देखो कितना ज़्यादा लंबा हो गया, मेरे से भी लंबा हो गया ये। और ये जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेड रोज़, तो ये है रेड रोज़ और ये भी लीव्स वाला है, और ये तो नॉर्मल आपने देखा ही होगा। इसकी जो नई जो पत्तियाँ आने वाली हैं वो भी आ रही हैं। ये हो गई रेडी, इसका पानी भी सूख गया यार, इसको मैं थोड़ा चला देता हूँ। कौन? तो हमारे दूध वाले आ चुके हैं, तो हमारे दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो दूध वाले भैया से मुलाकात करवाता हूँ आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। तो ये हैं हमारे दूध वाले बंगल जी, और ये हमें दूध देंगे। पूछ रहे कौन है, व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। तो जिस दूध भी ले लिया है मैंने, और जिस तरीके से ये लौट रहे हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्यार से लौट रहे हैं, माशाल्लाह नूर देखेंगे चेहरे पे। चलो दरवाजा बंद कर दीजिएगा। सो गाइस दूध ले लिया है, और दूध वाले बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं अभी इसको सही से पकड़ता हूँ नहीं तो दूध गिर जाएगा। हाँ अभी ठीक है। और हमारी मैगी का जो पानी है ना वो भी ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो इस मैगी को भी उठा लेते हैं अभी। और इसमें जो है कोई प्लेट वगैरह रख देते हैं, इससे ये ना कि दूध में कुछ गिर ना जाए, इसलिए यहाँ पे रख दिया। और ये मैगी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, तो आज लग रहा है पूरा व्लॉग बनियान में ही होने वाला है। पानी अभी तक नहीं सूखा यार, ये हो क्या रहा है, फ्लेम मैंने ज़्यादा हल्की कर दी है। टेस्ट कर देता हूँ, और पानी पूरा भी नहीं सूखना चाहिए, पूरा सूख जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती, चिपक जाती है ना इसमें, तो छुटाने में बड़ी दिक्कत होती है। जो सोचा था वही हो गया, हुआ ये कि चिपक गई इसमें और बड़ी मुश्किल से छूट रही है, उसका ब्लैक ब्लैक भी आ रहा है इसमें निकल के। यही हो जाता है यार जब एक्सपीरियंस नहीं होता है, तभी तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए ब्रो, डूड। अरे यार निकल नहीं रही इसमें से। तो जब तक मैं मैगी खा रहा हूँ तब तक आप मेरा होम टूर देख लो, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइज अभी मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल अपना होम टूर कराने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये वो जगह है जहाँ पर मैं सोता हूँ, यहाँ पर मेरा सब चीज़ रहती है, ये मेरा पंखा है, गरीब लोग हैं, एसी नहीं है हमारे पास, और ये हमने एक जुगाड़ कर रखी है, यहाँ पर हम चार्जिंग करते हैं, अपना फ़ोन चार्ज करते हैं ना, तो ये तार लगा के, ये ऐसे ना यहाँ पर तार लगा के यहाँ पर इस तरीके से सेटिंग बिठा रखी है चार्जिंग के लिए। ये हमारे तकिए भाई साहब है, वो हमारी बोतल है पानी की, और ये सब हमारा, ये एक रूम है, अलमीरा है, फ्रिज वगैरह ये सब है, ये रूम है, मेन रूम है, ठीक है, ये विंडो है, और ये हमारा हॉल है, ठीक है, ये हमारा हॉल है, और वो LED लगी है, मैं बता क्यों रहा आपको तो खुद ही दिख रही होगी। ये चेयर साहब हैं, और ये हमारा मिरर है, दैट इज़ टेबल, एंड 3 पंखे, और ये हमारा बाहर का एरिया जो कि अभी आपने देखा होगा, ये हमारी वॉशिंग मशीन है। और मुझे यार इस पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, एक इससे और एक वो ड्रैगन ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये हमारा थोड़ा ओल्ड टाइप है फ्रंट का, बट ये भी बनेगा,
जब भी बनेगा, जब ज़रूर बनेगा। और ये हमारा बाथरूम एंड टॉयलेट्स है, और ये हमारा जीना है, और ये हमारा ऊपर का घर बना हुआ है, ये हमारा घर का है, वो पानी की टंकी है, ये हमारी बाइक है, और ये हमारे कपड़ों की बाल्टी, पाइप, झाड़ू, लोहा, पता नहीं काय का है लेकिन है, ये खुरपी, ये स्लेब, ये पन्नी, ये धूप, और ये हमारा फ्रंट एरिया है जो कि काफ़ी ओल्ड है। और यहाँ पर मैं अक्सर शाम को आकर लेटता हूँ यहाँ पर, अभी तो बहुत धूप है, अभी लेटूंगा तो मेरा पकौड़ा बन जाएगा। और ये तकिया हमारा यहाँ पर तकिया रखते हैं, लेटते हैं। और ये हमारा फ्रंट का एरिया है, ये हमारा सेकंड गेट है, और वो दूसरा फर्स्ट गेट है जो अभी आपने देखा था वहाँ पे, जहाँ पे दूध लिया था। तो ये हमारा प्यारा सा होम टूर है, और ये कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट का एरिया है, और अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। और कुछ इस तरीके से पहले क्या होता था, पुरानी पुरानी छतें ऐसी होती ना, तो कि मिट्टी और लकड़ी किससे बनती थी, तो ये पुरानी छत है, काफ़ी काफ़ी पुरानी है। और ये सब, ये हमारी एक और वॉशिंग मशीन है जो ऑटोमेटिक है, ये सिलेंडर है वो कुछ पकाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली एक दीवार थी जो हमने गिरा दी है, वो हमारा डस्टबिन है कूड़े का, ठीक है। देखो कितना ओल्ड एरिया है ये देखो, देख सकते हो, ये सब अपने आप ही गिर गया, काफ़ी पुराना है। और हाँ मैं एक और बात बताऊँ, ये जो हमने दीवार गिराई है ना, इस दीवार में आप यकीन नहीं करोगे 1909 की ईंट निकली है। 1909 का मतलब समझते हो, करीब 1909, मेरे हिसाब से तो करीब 100 साल या 80-90 साल पुरानी ईंट होगी जो मैंने आपको दिखाई। और तो ये है हमारा होम टूर, और ये हमारा किचन है जहाँ पे हम नहा रहे थे, नहीं मैगी बना रहे थे, सॉरी आउट ऑफ माइंड हो गया था। तो ये है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही, गर्म है लेकिन पसीने में जब इंसान होता है ना तो उसको हवा भी, लू भी ठंडी लगती है, दैट इज। तो नॉर्मली जब घर पे कोई नहीं होता है तो बॉटल्स मुझे भरनी पड़ती हैं पानी की, तो आ गया हूँ भरने की पानी की बॉटल। बट उससे पहले यार गेट बंद कर दूँ, गेट खुला हुआ है, बकरी आ जाती है, क्योंकि इन पेड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बकरी अगर आ गई तो सारे पेड़ों का नाश मारती है, तो इसलिए जो है गेट बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले गेट बंद कर देते हैं, उसके बाद बॉटल्स भरेंगे। ओके तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये यहाँ क्यों पड़ी है, लग तो सही रही है यार, समझ में नहीं आ रही पेट्रोल की है ये काय की है, इसको अलग ही रख देता हूँ, नहीं तो क्या पता काय की हो, बाद में देखेंगे इसको, पहले जो बॉटल्स हैं उनको बन लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आई लव टू फिल द बॉटल। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, अब ये फास्ट मोड शुरू होने वाला है, 1 2 3। तुम्हें बॉटल्स रख कर आता हूँ फ्रिज में, और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो बॉटल बनने के बाद अभी मेरा दिल हो गया है शिकंजी पीने का। शिकंजी जो कि नींबू की बनती है, आपने पी होगी, बहुत सारी जगहों पे बाहर बिकती भी रहती है। चाय का मूड हो रहा है बट मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं अभी इसमें शक्कर घोलूंगा। शक्कर घोलने के बाद इसमें, और हाँ जब भी शिकंजी बनाओ तो पहले थोड़ा सा वार्म वाटर लो, यानी कि नॉर्मल पानी लो, उसके बाद ठंडा, जब शक्कर घोल जाए उसके बाद इसमें आप चीनी डालो, और काला नमक भी डाल सकते हो अगर जलजीरा है तो, क्या ही बात है भाई। चलो चीनी डालते हैं पहले, आगे चीनी ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, कोई ये ना समझे भाई ये किचन का चैनल है, किचन का चैनल नहीं है, आई एम जस्ट ब्लॉगिंग माय सेल्फ। एक चुटकी से थोड़ा ज्यादा नमक डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद स्पून लेना है, स्पून लेके इसको घोल देंगे। तो गाइज अब मैं बात कर लेता हूँ अपने बारे में, तो मेरे बारे में भी आप लोगों का जानना जरूरी है, पता अब चैनल चले ना चले वो आप लोगों के ऊपर है, बट मेरा आप उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी भी, और बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इस शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारे इस चैनल को प्यार दें, बहुत ज़्यादा प्यार दें, और अपने लोगों में शेयर करें। और बनियान में ब्लॉग यार मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यार गर्मी इतनी हो रही है, मेरी शर्ट या टी शर्ट डालने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है,
और अभी मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, नमाज का टाइम हो रहा है और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं था, होम ब्लॉग था और मेरे बारे में ब्लॉग था। तो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर मत करना, अगर करो तो कर देना और लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड्रॉयड ऐप्स और भी चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस में गैजेट्स वगैरह की वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी नीचे, और आप उसको देखें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।